Let's start with the second session of website. Okay. Before that, let me take you through that what all will be as a part and parcel of your what will be actually delivering. हमारे course content में क्या क्या हमने include किया हुआ है अगर आप यहाँ से course करते हैं तो. जैसे मैंने बोला कि ये तो बेसिक था ऊपर वाला जो हमने किया, दिस इज बेसिक, बट दिस बेसिक इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी, यू कैन से दैट दिस इज अ फाउंडेशन स्टोन फॉर योर कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग करियर. क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती स्टार्टिंग में, तो फिर हो सकता है कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें कुछ कुछ समझ लोगे, और कुछ कुछ चीज़ें समझ के आप कुछ ही बन सकते हो, एक्सपर्ट नहीं बन सकते. एक्सपर्ट बनने के लिए आपको एक तो मेहनत यहाँ पे थोड़ी सी एज कम्पेयर टू अदर फील्ड ज़्यादा है. जैसे कई लोग बोलते हैं कि इंटरनेट डिजिटल मार्केटिंग का फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, तो मैं बोल रहा हूँ कौन से करियर का फेलियर रेट बहुत अच्छा है. सीए करके दिखा दो आप, सीएस करके दिखा दो, कैट क्लियर करके दिखा दो, ऑलमोस्ट सब जगह पे कॉम्पिटिशन है. अच्छा बनने के लिए, अच्छा कमाने के लिए कॉम्पिटिशन हर जगह पे रहेगा. यहाँ पे भी हर टाइप के करियर ऑप्शन आपके लिए ओपन है. आप एसईओ सीख लो थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सीख लिया, 25-30 ट्रिक आ गई, आप उसी में अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो, यस यू कैन डू दैट. जैसे ग्राफिक डिजाइनर है, एक ग्राफिक डिजाइनर भी मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो कि ग्राफिक बनाने के 200 रुपये लेते हैं, और मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो ग्राफिक कंसीव करके, मतलब प्रॉपरली उसको एनालाइज करके, प्रॉपरली आपको पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस के थ्रू आपको ग्राफिक बना के देंगे, बट दे विल चार्ज यू लाइक 20K to 40K. ऐसे लोग भी हैं जो कि 5,000 रुपये में फेसबुक का पेज मैनेज करते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो 50,000 में फेसबुक का पेज मैनेज करते हैं. तो दोनों में फ़र्क क्या है? फर्क यही है, एक जो 5,000 वाला है वो टिप्स एंड ट्रिक्स पे काम करता है, उसको चार चीज़ें आती हैं, उसे आगे ग्रो ही नहीं कर रहा. एक वो जो 50,000 वाला है वो आपको प्रॉपरली आपके बिजनेस को आप इस दो पेज की वजह से कैसे ग्रो कर सकते हो उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बताएगा. तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ध्यान रख लेना. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि एक मजदूर आर्किटेक्ट नहीं बन सकता, लेकिन एक आर्किटेक्ट कभी मजदूरी नहीं करेगा, ये ध्यान रख लेना. तो हमें डिजिटल मार्केटिंग आर्किटेक्ट बनना है. मजदूर तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं आर्किटेक्ट बन, और पैसा सबसे ज़्यादा किसको मिलता है? मजदूर को मिलता है, आर्किटेक्ट को. तो आर्किटेक्ट, तो आपने यहाँ पे मजदूर नहीं बनना, आपने डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन के नहीं रह जाना कि हाँ मेरे को दो चीज़ें आ गई, मेरे को ये कैंपेन चलानी आ गई, वो आ गई. आपको स्ट्रैटेजी बनानी आनी चाहिए, और जब तक आपको स्ट्रैटेजी बनानी नहीं आएगी, अब ये नहीं मैं बोल रहा कि पहले दिन से आपको स्ट्रैटेजी बनानी आनी चाहिए, धीरे धीरे करके कोशिश ये रखें. जब भी कोई भी काम, छोटे से छोटा भी काम मिल रहा है, इवन इफ यू आर गेटिंग अ वेबसाइट डिजाइनिंग वर्क, तो उस वेबसाइट की वजह से उस बंदे को क्या क्या और फायदे हो सकते हैं उसमें, और आप उसको क्या क्या ऐसा डाल के दो कि उसको कुछ फायदा आ जाए, कुछ ज्यादा फायदा आ जाए, और ज्यादा फायदा आ जाए, ये सारी की सारी चीजें आपको उसको बतानी पड़ेगी. ये नहीं कि अच्छा यार मेरे को तो वेबसाइट बनाने के लिए बोला था, मैंने वेबसाइट बना दी, चला गया. आपको टूटी लगाने के लिए बोला, आप प्लम्बर हो तो आपने टूटी लगाई और चले गए, आपने ये नहीं चेक किया कि पानी आ भी रहा है नहीं आ रहा. पानी नहीं आ रहा ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हाँ ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ये चेक कर लेते कि पानी क्यों वजह किस वजह से नहीं आ रहा, पीछे सप्लाई से नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन अगर आपको पता लगे कि थोड़ा सा अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता तो आ जाता. तो ये मैं सिर्फ एक्स्ट्रा एफर्ट की बात करूँ, छोटे छोटे एग्जाम्पल देके. एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों जरूरी है? एक्स्ट्रा एफर्ट ही आपको एक्स्ट्रा इनकम ला के देंगे, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करते करते आप देखोगे कि आपको, आप एक्सपर्ट तभी बनोगे जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे. ठीक है, गाँव में थे, बहुत अच्छा नदी थी घर के पास, मतलब गाँव के पास, सब तैरने जाते, सब तैर लिए, पूरा गांव को तैरना आता था, सब जाते थे तैर के आ जाते थे, कोई तो गोल्ड मेडल लेके आया नहीं हमारे लिए ओलंपिक में, तो किसी ने एक्स्ट्रा एफर्ट किए नहीं ना, जितना जो चल रहा था सब चल गया. तो यहाँ पे डिजिटल में ऐसे चलेगा नहीं, डिजिटल में चलने वाले लोग चले जाते हैं. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने ही पड़ेंगे. अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालोगे तो यू विल बी लैकिंग. इतने अपडेट रोज इतने अपडेट्स आते हैं, तो आपको वो अपडेट को अपने अपडेटेड रहना ही पड़ेगा. अगर आप मेरे से पूछोगे इस स्टेज पे आने के बाद भी आई एम सब्सक्राइब टू सो मैनी वेबसाइट, सो मैनी ट्विटर हैंडल्स, मैं हर जगह पे जाके जो लेटेस्ट अपडेटेड होता है मेरे पास होना चाहिए. नॉट बीइंग अ टीचर, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल, मेरे को बच्चों को भी अगर बताना है तो आई शुड नो कि ये नई नई चीज़ें आ रही हैं, ये नई चीज़ें आ गई हैं, और नई चीज़ आ गई. नई चीज़ क्यों आती है? आपके काम को और आसान करेगी. ठीक है, तो यू शुड नो ऑल दिस थिंग. तो अब आते हैं वेबसाइट के लिए. वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यहाँ पे वेबसाइट बनाने की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसे फटाफट से वेबसाइट बन भी जाती है, लेकिन फटाफट जैसी वेबसाइट अगर बनेगी तो उसका आउटपुट भी फटाफट ही होगा. तो यू हैव टू फर्स्ट एनालाइज की क्यों वेबसाइट बनाई जा रही है. ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम वेबसाइट बनाने की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मेरा बायर कौन है, वहाँ पे आके किसके लिए वेबसाइट बनाई है, या आपका क्लाइंट कौन है. ठीक है, उस वेबसाइट पे किन लोगों ने आना है. ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ बायर की, अगर मैं बात करूँ तो मैं ई कॉमर्स वेबसाइट की बात कर रहा हूँ. अभी ई कॉमर्स वेबसाइट एक सेकंड में तो हम नहीं बना सकते,
सेटअप लगा सकते हैं किसी का भी 10 मिनट के अंदर, लेकिन उसको अपडेट करना है करना सब कुछ। दूसरा है आपकी सर्विसेज के लिए कौन कौन से लोग आ रहे हैं, ठीक है, आपकी सर्विस, अगर आपके क्लाइंट है, आपके सर्विस, आपकी एजेंसी है, किस टाइप के लोग आपके पास आएंगे। तो पहले तो ये बायफर्केट करना पड़ेगा, फिर ये बायफर्केट करना पड़ेगा B2C बिजनेस है या B2B बिजनेस है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस है, सिर्फ आप कंपनी टू कंपनी डील कर रहे हो, या B2C है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारे के सारे आपके B2C में है, मतलब जहाँ पे एक एक बंदा आके एक एक प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है। अच्छा, अगर उसके बाद हम बोल रहे हैं कि चलो हमें पता लग गया कि B2C है या B2B है, अगर B2B है तो हम बनाते हैं कंपनी प्रसोना, ये क्या होता है, और इसमें होता है, तो अगर B2B होता सी होता है तो हम बनाते हैं बायर परसोना, ठीक है। कंपनी परसोना जब हम बात कर रहे हैं कि हम तो कंपनी टू कंपनी डील करते हैं, मैं सिर्फ होलसेल में डील करता हूँ, तो ये हो गया आपका जैसे B2B बिजनेस में, तो इसमें हमारे पास क्या आता है, कंपनी में कंपनी का साइज क्या होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लोकेशन वगैरह वगैरह भी बहुत जरूरी है, कंपनी की लोकेशन क्या होगी और कंपनी का क्या, अगर मैं बोलूँ कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, ऐसा तो नहीं है कि सबके लिए आप बना लोगे, ठीक है, कब उसका ग्रोथ रेट क्या है, क्योंकि आप उन्हीं के साथ काम कर रहे हो जो जो कि सही में आपके 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 साथ काम कर सकते हैं। अगर आप एक बहुत बड़ी एजेंसी हो तो आप छोटे मोटे उनको काम ही उन पर उनके साथ बात ही नहीं करोगे, जैसे एक ग्रेव्स डिजिटल करके कंपनी है साकेत साइड पे, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, अगर आपका मिनिमम बजट 10 लाख नहीं है तो वो कंपनी आपसे बात भी नहीं करती है कि आप उनके आप जा रहे हो उनके पास कि आप मेरे लिए डिजिटल मार्केटिंग कर दो, बट यू नीड टू हैव एटलीस्ट 10 लाख पर मंथ मिनिमम बजट, तभी वो आपसे बात करेगी, तब नहीं तो उसके अलावा वो लेते ही नहीं, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े क्लाइंट हैं, नेस्ले वगैरह है, तो वो आपसे बात भी नहीं करेंगे, और क्यों करेंगे, ठीक है। उसके ये सारी चीज़ें आपको एक कंपनी के लिए, अगर बायर है तो अगर मतलब नॉर्मल B2C है तो कोई स्पेसिफिक एज है, कोई स्पेसिफिक डिवाइस है वो जो यूज़ करता है, कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है जो वो यूज़ करता है, ठीक है, किस टाइप का उसका उसको साइट्स पसंद आती हैं, तो सिमिलर साइट्स मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, कब वो ऑनलाइन आता है, टाइमिंग ऑनलाइन टाइमिंग क्या है उसकी, सुबह आता है, शाम को आता है, ठीक है, ऑनलाइन टाइमिंग क्या है, ठीक है, कौन सी किस लोकेशन से है, Tier 1 का है, Tier 2 का है, Tier 3 का है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत है क्या, अगर मैं MBA के लिए कर रहा हूँ तो बट ऑब्वियस है कि मुझे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत है उसकी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना एक रफ ड्राफ्ट करना पड़ेगा कि आपके बायर की एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है। अगर इसको मैं थोड़ा सा उसमें डालूँ तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, एज के हिसाब से आपका साइट का लुक एंड फील चेंज हो जाएगा, अगर एक 30+ या 40+ वाले लोग आपके वहाँ पे आते हैं तो आपकी साइट का जो लुक एंड फील है वो डिफरेंट होना चाहिए, और यंगस्टर आते हैं तो डिफरेंट होना चाहिए, तो अगर मैं बोलूँ यंग आ रहा है तो mayantra.com, और अगर आपका पढ़ा लिखा और प्रोफेशनल्स आ रहे हैं तो वैनुसेन, ठीक है। तो दोनों साइट अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों के अंदर क्या फ़र्क है। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है बिफोर कंसेप्चुलाइजिंग कि आपकी वेबसाइट क्या होगी कैसे होगी, आपको ये करना है कि वो B2C है B2B है, फिर भी एक बायर पर्सोना बनाना है, उसके बेसिस पे आप अपना साइट को प्लान करना शुरू करते हो कि यार ये ऐसे बनेगा, इसमें ये होगा या उसमें वो होगा, फिर उसके बाद आप बोलोगे कि यूजर की कौन सी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो। प्रॉब्लम का सोल्यूशन का मतलब क्या है, अगर आप B2B हो तो आप किस तरीके का प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो उसकी प्रोडक्ट के बारे में आपको USP ऑफ योर प्रोडक्ट कैसे दिखानी है, वीडियो के थ्रू दिखानी है, इमेजेस के थ्रू दिखानी है, या इंफोग्राफिक के थ्रू दिखानी है, ठीक है, जैसे भी जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है, आपके लिए नहीं जो आपके यूजर के लिए जो जरूरी है वो। तो पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी ना कि आप किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो, तो आप एक मार्केटिंग सॉल्यूशन दे रहे हो ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, प्रॉब्लम है यूजर का लुकिंग फॉर मार्केटिंग सॉल्यूशन, ओके, और सॉल्यूशन क्या दे रहे हो, आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो उसे, तो उसमें आपका B2B और B2C दोनों के अंदर यही रहेगा। नेक्स्ट रहेगा कि कितने पेजेस चाहिए होंगे साइट के अंदर, अभी साइट बनानी स्टार्ट नहीं करी है, साइट बनाना कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है, यही चीज़ें बहुत टफ है, मैं बोल रहा हूँ इसमें मेरे 6-7 पेज रहेंगे, नॉर्मल पेज में बोल रहा हूँ, होम रहेगा, अबाउट अस रहेगा,
उसके बाद आपका सर्विसेज का पेज रहेगा, उसके बाद आपका मीट द टीम का पेज रहेगा। सिंपल रख रहा हूँ अभी, आपकी मर्जी, आप इसमें कितना कितना डाल रहे हो। उसके बाद एक ब्लॉग का पेज रहेगा, एक कॉन्टैक्ट अस का पेज रहेगा, एक नॉर्मल वेबसाइट का। जब हम अबाउट अस में बोल रहा हूँ तो इसमें दो पेज रहेंगे, अबाउट द कंपनी रहेगा, ठीक है, और अबाउट, और अगर आपको लगता है कि पेरेंट कंपनी कोई है तो उसमें होम के अंदर आपका प्रोडक्ट यूएसपी जो भी आपकी होगी वो रहेगी। सर्विसेज में आपके सर्विस, सर्विस वन, सर्विस टू, सर्विस थ्री, सर्विस फोर, जितने भी आपके सर्विसेज रहेंगे आप एक बार डिफाइन कर लो। मीट द टीम में मेरे पास चार टीम मेंबर्स के बारे में रहेगा। ब्लॉग के अंदर आई विल बी राइटिंग ब्लॉग्स अबाउट द प्रोडक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय माय प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी जैसा आपको लगे। कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म रहेगा, ठीक है, जो मैक्रो लीड की हमने बात की थी, तो ये आपका कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म रहेगा इसके अंदर। ओके, तो ये पहले स्ट्रक्चरिंग आपको करनी पड़ेगी कि आप किस तरीके से अपने साइट को स्ट्रक्चर करने वाले हो। अच्छा, अब ये भी कर लिया, ठीक है, मान लो ये तो मैंने सिंपल एक एग्जांपल दिया, जब हम आपको इसको हम कहते हैं साइट मैप। ओके, यहाँ तक तो हमने कर लिया था कल जो मैंने बोला था। सेकंड है तो वेबसाइट के अंदर आपका वेबसाइट आपका क्या टाइप रहेगा, बायर है वहाँ पे या क्लाइंट आ रहे हैं, ई कॉमर्स में है या सर्विसेज में है, बी टू बी है या बी टू सी है, कंपनी अगर बी टू बी है तो कंपनी पर्सोना बनाएंगे, कंपनी का साइज, लोकेशन, इंडस्ट्री, ग्रोथ रेट, और भी इसको जितना बड़ा कर सकते हो। अगर नॉर्मल बी टू सी साइट है जहाँ पे कि एक एक इंडिविजुअल आके खरीदता है जैसे महिंद्रा टाइप का, तो वो बायर की एज क्या रहेगी। अच्छा, ये इसका मतलब नहीं कि इसी एज ग्रुप में रहेगा, कुछ भी हो सकता है, एक मिनिमम आपको पता रहता है कि आपके साइट पे किस टाइप के लोग आने वाले हैं। जैसे अगर आपने कॉफी शॉप खोला तो आपको पता रहेगा किस टाइप के लोग आएंगे, ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट है आपको पता रहेगा कि किस टाइप के लोग इसको खरीदते हैं, एज हो गया, डिवाइस हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, सिमिलर साइट्स, किस किस और वैसे साइट्स पे जाता है, कब ऑनलाइन आता है, व्हाट इज द लोकेशन वेयर इज राइट नाउ, टीयर टू में है, टीयर थ्री थ्री सिटीज में है, एजुकेशन में। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं आपका, लोकेशन कई बार आपके ई कॉमर्स बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऑल्दो आप यू आर सेलिंग इट ऑनलाइन, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑर्डर आपको किसी एक ऐसे लोकेशन से आते हैं जो आपने सोचा ही नहीं था। जैसे लॉन्जरीज की अगर मैं बात करूँ, अंडर गारमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो अंडर गारमेंट्स में प्राइमरली लेडीज के लिए ऑनलाइन सेल में टीयर टू टीयर वन से ज़्यादा लोग वहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। रीजन क्या है, थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो लोग शर्माते हैं ऑफलाइन जाके खरीदने में, लेकिन ऑनलाइन में जाके आपको कोई पहचानता नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आपकी वो नहीं कर रहा, तो आप वहाँ पे गए और आपने जो आपको पसंद है यू कैन बाय। तो मैं वही बोलूँ कि कई बार हो सकता है कि आपने बनाया टीयर वन के लिए था, टीयर टू में चला गया, वो तो तब हम बाद में देख लेंगे। गूगल एनालिटिक्स में जब हम गए थे तो हमने देखा था ना किस किस लोकेशन से लोग आ रहे हैं, वो एक डिफरेंट स्टोरी हो जाएगी ऑल टुगेदर। लेकिन यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, एक आपको बेसिक बायर पर्सोना तो बनाना ही पड़ेगा, सो दैट आपकी साइट की स्ट्रक्चरिंग उसके हिसाब से जाए। उसके बाद फिर जाके किस टाइप का प्रॉब्लम लोग ढूंढ रहे हैं जिस जो कि आपकी साइट एक सॉल्यूशन दे रही है, तो आपको वो सॉल्यूशन कैसे दोगे, वीडियो से, इमेजेस से, इंफोग्राफिक से, नॉर्मल कंटेंट से, या जो भी एक्स वाई जी तरीका होगा उसके थ्रू, ई बुक के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू, जैसा भी। जैसे यूट्यूब का अगर मैं बोलूँ तो सॉल्यूशन कैसे दे रहा है, यूट्यूब वीडियो के थ्रू दे रहा है। अगर मैं गूगल की बात करूँ तो गूगल सॉल्यूशन कैसे दे रहा है आपको, आपके पास तो प्रॉब्लम है ना कोई, जब सर्च करने जाते तो देयर इज अ प्रॉब्लम, सॉल्यूशन कैसे दे रहा है वो आपको लिंक दे रहा है कि आप यहाँ पे जाकर सॉल्यूशन ले सकते हो। ही इज डायरेक्टली नॉट गिविंग ए सॉल्यूशन बट गिविंग यू अ लिंक फॉर दैट सॉल्यूशन। तो सेम वे वैनुसेन सॉल्यूशन क्या दे रहा है, डिस्काउंट शॉपिंग चाहिए तो जाओ आप अपना क्या बोलते हैं mahindra.com पे, वैनुसेन क्या सॉल्यूशन दे रहा है। एक प्रोफेशनल अगर आपको आपका कोई मतलब बड़ी कंपनी में इंटरव्यू है तो आप भी चाहते हो कि आप लगो कि भैया हाँ अच्छे से वेल ड्रेस बंदा आया है, तो वो आपको वो सॉल्यूशन दे रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि हेल्थ कार्ड आपको क्या सॉल्यूशन दे रहा है या अर्बन क्लैप आपको क्या सॉल्यूशन दे रहा है, तो सबका अपना अपना कोई ना कोई सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। तो साइट मैप की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो होम, अबाउट अस, सर्विसेज, मीट द टीम, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, तो ये कुछ प्राइमरी पेजेस मैंने डाले, उनके कुछ पेजेज हो सकते हैं, सब पेजेज जो उनके पेजेस हो सकते हैं वो भी हो जाएंगे यहाँ पे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये सब कुछ अगर हो रहा है तो फिर मेरा पूरा का पूरा साइट आप देखोगे यहीं से स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो हम इसको कहते हैं साइट मैप।
अच्छा ना तो ये साइट में HTML है ना XML है, ये साइट मैप आप बना रहे हो कि भैया मेरी साइट पे होगा कैसे? तो इसको ऐसा समझो जैसे मैं हूँ ना आर्किटेक्ट, मैंने आपको 100 गज का प्लॉट दे दिया और मैंने आपको अपनी रिक्वायरमेंट बता दी। देख लो भैया मुझे 3 तो बेडरूम चाहिए, बड़ा सा किचन चाहिए, लिविंग एरिया बड़ा अच्छा सा चाहिए, एक थिएटर टाइप का कुछ चाहिए और 3 फ्लोर तक मेरा आप एलिवेट कर सकते हो। बाकी काम उसका आर्किटेक्ट का कि वो कैसे बना के लाएगा, वो बेडरूम कहाँ पे डाल रहा है, 2 बेडरूम कहाँ डाल रहा है, 1 बेडरूम कहाँ डाल रहा है, वो सारा का सारा उसकी हेडेक है, वो कैसे बना के लाएगा। हाँ बना के कैसे लाएगा उसकी हेडेक नहीं है, वो बना के आपसे अप्रूव करवाएगा, तो उसका काम यही होगा। हमारा काम क्या है, हमने पूरा स्ट्रक्चरिंग कर ली और हम क्लाइंट को बोलेंगे कि हम इस तरीके से बना रहे हैं। नाउ क्लाइंट, इट्स अप टू क्लाइंट कि वो अबाउट अस को मीट द टीम में लेके जाना चाहता है या अबाउट अस को होम पेज के नीचे लेके जाना चाहता है, वो उसकी हेडेक है, वो हमारी नहीं है। हमने उसको एक आइडिया दिया कि हम इसे इस तरीके से आपका वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार जब ये डिसाइड हो गया, तो जैसे मैं बोल रहा था कि बिफोर जंपिंग इनटू वेबसाइट कंप्लीट वेबसाइट थिंग, मैं आपको पहले बताऊंगा कि यहाँ से हम आप क्या क्या करने वाले। तो ये पूरा का पूरा जो वेबसाइट है, क्या मैं बोलूँ कि इसको बनाने में और ये सब कुछ करने में, क्योंकि थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो मैं यहाँ पे ना आज डाल देता हूँ, यहाँ पे कोर्स कंटेंट डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ आवर्स डाल देता हूँ कि हम क्या क्या करेंगे। तो कोर्स कंटेंट में थोड़ा सा इसको नीचे लाते हैं, तो सबसे पहले तो आपका ये वेबसाइट ही है, वेबसाइट डिजाइनिंग अब आपको सिखाएंगे। ये होगा आपका कोई 10 आवर्स का। अच्छा वेबसाइट डिजाइनिंग की बात करें तो हम आपको वेबसाइट सिर्फ वर्डप्रेस में बता रहे हैं। वर्डप्रेस में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मोर देन 35% प्लस वेबसाइट जो है अभी वर्डप्रेस यूज करके बन रही है, ठीक है। अच्छा उसके अलावा PHP में नहीं बताओगे क्या, उसके अलावा जावा में नहीं बताओगे वेबसाइट कैसे बनाते हैं, नोड JS आजकल चल रहा है इसमें नहीं बताओगे क्या, और इसके बाद अगर मैं बोलूँ PHP हो गया, HTML में नहीं बताओगे क्या, और अगर मैं बोलूँ कि भैया JSP में, ASP में, ठीक है, बहुत सारे हो रहे हैं, ड्रुपल, जुमला, ओके, उसके बाद ओपन कार्ट, उसके बाद मजेंटो, ठीक है, बहुत सारे हैं, लिखने बैठेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा। इसमें वेबसाइट बनाना नहीं सिखाओगे, नहीं सिखाएंगे, क्योंकि ये वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स नहीं है, ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट बनाना इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि आपको आगे जाके वेबसाइट को यूज़ करना है अलग अलग तरीक़ों से, उसके लिए जो बेस्ट है वो ये है। और वर्डप्रेस का वेबसाइट भी कोई ऐसा नहीं है कि भैया कोई भी बना सकता है, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि वर्डप्रेस की वेबसाइट की बात नहीं है, यहाँ पे एक अच्छा खासा वेबसाइट बन जाएगा, यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वेबसाइट में बनाइए, PHP में बनाइए, जावा में बनाइए, मेरे को सॉल्यूशन से मतलब है, ठीक है। अगर आपको भूख लगी और आपको रोटी खानी है, तो आप क्या ये पूछने बैठते हो रोटी रसक्ति भोग में बनी है या राजधानी में बनी है या वो क्या बोलते हैं इस वाले गेहूं से बनी है उस वाले गेहूं से बनी है? तो यू आर ओनली कंसर्न अबाउट कि आपको एक रोटी मिले, हाइजेनिक दिखे, साफ सुथरी हो, जली हुई ना हो, इतना आपका हुआ है। तो वो काम सारा का सारा अगर मैं बोलूँ सिंपली वर्डप्रेस जो साइट है, दे आर दी बेस्ट बेस्ट CMS होता है एक्चुअली, ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बेस्ट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है इसका, जो कि आपको बिना नोइंग ए सिंगल लाइन ऑफ कोड, ठीक है, यू डोंट रिक्वायर टू विदाउट नोइंग, मैं बोल रहा हूँ सिंगल लाइन ऑफ कोड, आप अगर वेबसाइट बनाना चाहते हो तो ये बेस्ट वो प्रोसेस है, ठीक है। 10 घंटे में आपका वेबसाइट बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अभी दो आधे घंटे में आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चरिंग तो मैं अभी करके दिखा देता हूँ, कस्टमाइजेशन आप जैसा मर्जी करें। वंस यू आर डन विद दिस, फिर जाके हम जाएंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, जिसको हम SMM कहते हैं। SMM कोई आपका होगा फॉर 20 आवर्स, ठीक है। इसमें हम क्या क्या करेंगे वो डिस्कस करते हैं। इसमें हम करेंगे फेसबुक मार्केटिंग प्लस ऑर्गेनिक, इंस्टाग्राम मार्केटिंग प्लस ऑर्गेनिक, ट्विटर मार्केटिंग प्लस ऑर्गेनिक, मतलब फ्री वाला भी और पेड वाला भी बोथ, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे लिंक्डइन, ये B2B के लिए आपको यूज करते हैं हम। उसके बाद हम यूज करेंगे इसमें यूट्यूब, यूट्यूब पे कैसे ऑर्गेनिकली चैनल बनाना और ये सब करना वो आप करोगे। उसके बाद हम इसमें करेंगे कोरा, ठीक है, कोरा पे कैसे ऐड चलाते हैं,
तो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जितने बड़े सोशल मीडिया मार्केटिंग के चैनल हैं हमने ये सारे के सारे कर लिए। पिंटरेस्ट भी पढ़ा देते हैं, ऑल दो पिंटरेस्ट में अभी एक प्रॉब्लम है कि इंडिया एज अ ऑडियंस यहाँ पे टारगेट नहीं होता, लेकिन इसका भी एड कैंपेन हम बता देते हैं। तो ये आपका होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसमें ये सारा का सारा हम कवर करेंगे। उसके जब हम SMM कर लेंगे तो फिर हम करेंगे SEM। SEM होता है आपका सर्च इंजन मार्केटिंग। ओके, ये है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, तो SMM जब सेम की बात करें तो ये कोई 16 घंटे का होगा। इसमें भी हम 7 अलग अलग टाइप के कैंपेन एक्सप्लोर करेंगे, विच विल स्टार्ट फ्रॉम सर्च। ठीक है, आल सबका अलग अलग है। सर्च वाली आपकी जाएगी google.com पे, जो ऐड देखे थे आपने पेड वाले वो आएंगे। उसके बाद होगा डिस्प्ले, डिस्प्ले वाले ऐड कैंपेन जो आपके ब्लॉग्स वगैरह पे जो ऐड देखते हो वो होती हैं। उसके बाद होगा आपका शॉपिंग, शॉपिंग वाले ऐड वो होते हैं जो आपके जो आपको इस पे देखते हो, क्या बोलते हैं आपका गूगल पे विद इमेज। उसके बाद आपका होगा वीडियो, वीडियो जो आप YouTube पे जो ऐड देखते हो वो सारा का सारा यहीं से चलता है। उसके बाद होगा आपका यूनी ऐप, ये जो आप Google Play Store पे जो ऐड देखते हो वो सारे ऐड हम यहाँ से चलाते हैं। उसके बाद आपका होगा स्मार्ट कैंपेन। स्मार्ट कैंपेन आपका होता है जो लोकल बिजनेस के लिए हम ऐड चलाते हैं, जो आपका लोकल बिजनेस की जब हम बात करें तो जो आपके जो गूगल बिजनेस पेज आते हैं उसके उस पे जो ऐड चलाते हैं। उसके बाद एक अभी इसने डिस्कवरी कैंपेन चलाया जो आपका जीमेल पे एक साल एक ही बारी में, यूट्यूब पे और दो तीन और चैनल हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली रन करता है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। 16 से कई बार 18 आज तक भी चला जाता है, पर टाइम कोई वो नहीं है कि नहीं भैया 2 घंटे कम करना है 2 घंटे ज़्यादा करना है, वैसा कोई सीन नहीं होता हमारे साथ। जब हमें लगेगा कि हाँ ये खत्म हो गया, कम कभी नहीं होता, ज्यादा ही होता है। तो ज्यादा होने का मतलब इसलिए है क्योंकि कई बार हो जाता है कि कई चीजें नहीं समझ में आई, स्टूडेंट इज आस्किंग अगेन एंड अगेन, तो जो हम कोशिश कर रहे थे कि ये टॉपिक इस में कवर हो जाएगा वो नहीं कवर हुआ। कोई बात नहीं, कोई कवर नहीं हुआ तो कोई सरकारी वो थोड़ी ना कि आज लास्ट डेट है आज के बाद नहीं भरा जाएगा, वो ऐसा कोई सीन नहीं है हमारे साथ, कोई सीन नहीं है। जब वी आर डन विद दिस उसके बाद हम आते हैं SEO पे। SEO भी बहुत बड़ा वो टॉपिक है, इसको हम कहते हैं सर्च, जो ऑर्गेनिक वाली हम बात कर रहे थे, सर्च इंजन मार्केटिंग। ओके, तो सर्च इंजन मार्केटिंग का आपका होगा कोई 16 आवर्स का ये कोर्स होगा। इसमें आपका कीवर्ड रिसर्च से लेके प्लस ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, उसके बाद कॉम्पिटिटर एनालिसिस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस प्लस उसके बाद आपका इसी के साथ गूगल एनालिटिक्स भी। ये सारा का सारा हम इसी में कवर करते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो इन चार के अंदर ही आपका कोई 64 आवर्स का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो भी टॉपिक बचते हैं वो एक एक दो 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 घंटे 4 घंटे वाले टॉपिक रहते हैं, तो वो क्या क्या है उनके बारे में भी बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले इसके बाद जैसे खत्म होगा तो हम आपसे ईमेल मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, ये आपका 4 आवर्स का रहेगा, पूरा ईमेल मार्केटिंग का सेटअप कैसे करते हैं, बल्क ईमेल कैसे भेजते हैं, रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन कैसे क्रिएट करनी होती है, अच्छी सब्जेक्ट लाइन क्रिएट करने के लिए कोई टूल यूज होता है या नहीं होता, ओपन रेट कैसे बढ़ा सकते हैं, कई लोग प्रॉमिस करते हैं कि इनबॉक्स में कैसे डाल सकते हैं, इनबॉक्स में डालना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसमें दो तीन चीज़ें हैं जैसे कि वो जा सकता है, जैसे 101 मेल करोगे लेकिन 1 लाख मेल 101 तो नहीं कर पाओगे, तो उसमें थोड़े से इफ्स एंड बट्स उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद क्योंकि एक और बहुत चीज़ जरूरी रहती है वो है आपकी कॉन्टेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग अगर आपको जैसे इसमें हम आपका कंटेंट राइटिंग नहीं कंटेंट क्रिएशन हम आपको पूरा का पूरा बताते हैं, तो ये भी आपको कोई 4 घंटे तक रहेगा, 4 आवर्स। इसमें आपको कंटेंट क्रिएशन, वायरल मार्केटिंग, मीम मार्केटिंग आजकल बहुत चल रहा है,
मीम बनाना ही नहीं है आजकल, मार्केटिंग में लोग यूज कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं, तो पूरा कंटेंट स्ट्रक्चरिंग स्केलेटन कैसे जनरेट करते हैं वो सारा का सारा इसमें हम बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद जब ये दो चीजें हो जाएंगी तो उसके बाद हम थर्ड पे जाएंगे जिसको हम कहते हैं आपका ई-कॉमर्स। अच्छा, जो हमने साइट एक नॉर्मल ऊपर वेबसाइट बनाई होगी ये भी आपका 4 hours का रहेगा, उसको हम ई-कॉमर्स साइट बना देंगे आप। अच्छा, बड़ा टफ काम होगा? कोई टफ काम नहीं है, इजी है, बस थोड़े से एक प्लगइन डालना पड़ेगा एक्स्ट्रा, लेकिन उस प्लगइन को थोड़ा सा सेटअप करना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें हम गूगल शॉपिंग और फेसबुक मार्केट प्लेस, एंड कैटलॉग, एक अलग टाइप की ऐड होती है, ये सब हम इसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो फिर जाके हम करेंगे आपका लीड जेन, क्योंकि जब तक आपको ये सारी चीजें नहीं पता ना तो आपको लीड जनरेशन समझ में भी नहीं आएगा। तो लीड जेन 2 पार्ट में हम करते हैं, एक तो नॉर्मल आपका लीड जेन है जिसमें माइक्रो लीड मैक्रो लीड क्या होती है वो सारा अच्छे से और डिटेल से समझेंगे। एक जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर जाके हम करते हैं डीएमएस। डीएमएस एक्चुअली एक्चुअली आपका क्या रहता है, डीएमएस होता है आपका डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कैसे बनाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का ये आपका 4 hours का रहेगा, जिसमें हम प्रपोजल बनाना, पीपीटी बनाना क्लाइंट्स के लिए जब आप पिच करने जाते हो, ठीक है, ईमेल, क्या ईमेल होनी चाहिए क्लाइंट को जब आप भेज रहे हो, ठीक है, और सेल्स फनल कैसे बनाते हैं क्लाइंट को दिखाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बोलूँ सेल्स फनल के बाद इसमें आपका आरओआई का पूरा का पूरा ग्राफ, जिसको हम डिजिटल शॉर्ट भी कहते हैं, वो हम पूरा का पूरा आपको बनाना सिखाएंगे। 4 घंटे में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। कुछ मैं अपने पीपीटी दूंगा आपको जो कि हमने क्लाइंट्स के लिए बनाया, तो आप उसमें से कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो एक मतलब पूरा का पूरा सेक्शन वाइज हमने इसको बाइफरकेट किया है। उसके बाद अगर हम बोलेंगे हम दूसरे सेक्शन पे जाएंगे जो कि आपका एक अलग तरीके से काम करता है, और वो है आपका ORM। ORM भी आपका 3 घंटे का ये लेक्चर रहेगा, तो इसको इसमें 3 M's के ऊपर हम काम करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस 3 M's? एक आपका होगा मेजर करना, ORM को मेजर करना, ORM को मैनेज करना, मेजर करने के बाद कि गलत है तो ठीक करना, ठीक है तो न्यूट्रल रखना, और उसके बाद उसको मेंटेन करके रखना कि इतने रहना चाहिए। तो ये भी आजकल इसमें भी अच्छे खासे जॉब आते हैं, लेकिन ये आप तभी कर पाओगे जब आपको ये सब पता होगा, नहीं तो आप ये टच भी नहीं कर पाओगे, तो इसलिए हमने इसको बाद में रखा है। उसके बाद एक और सेक्शन आएगा जिसमें कि हम आपको मतलब जिसमें एक ब्लॉगिंग के थ्रू कैसे पैसा कमाते हैं। तो अगर मैं बोलूँ आपका इसको हम कहते हैं गूगल एडसेंस ब्लॉगिंग, क्योंकि गूगल पैसा देगा आपको, एडसेंस अकाउंट अप्रूव होना चाहिए। तो ये 4 hour का एक क्लास रहता है। उसके बाद एक और जो कि बहुत सारे लोग इसी के लिए क्लासेस करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, तो 4 घंटे का ये भी रहेगा। अगर इसका टोटल ड्यूरेशन देखें तो अभी 93 के आसपास आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमने दो तीन चीज़ें और डाली हैं, जैसे आपका प्रोग्मेटिक ऐड रहेगा आपका 3 hours का। ब्लैक हैट एसईओ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि करवाओ करवाओ करवाओ, मेरा मानना है कि इसमें हम ब्लैक हैट एसईओ जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक छोटा सा ओवरव्यू उसका कर देते हैं। तो ये आपका 3 घंटे का एक क्लास भी रहता है, तो ये 96 97 के आसपास आ जाता है, 99 के आसपास। एक दो टॉपिक और इसमें, जैसे हम आपका कुछ लाइव सेशन हो जाते हैं एक्सपर्ट से, कुछ बाहर से हम एक्सपर्ट बुलाते हैं जो कि अभी रियल टाइम बहुत सारे लोग हैं, ये भी हम 2 lecture करते हैं, तो 2-2 घंटे के 2 lecture हो जाते हैं, कई कई बार 1-1 घंटे के लिए करते हैं। तो इसमें SEO का एडवांस, बाहर से कोई भी बंदा आता है तो वो अपने बारे में तो नहीं, अपने टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से, या SEM के कुछ एडवांस आपको टॉपिक के बारे में बताता है। उसके बाद लाइव एक प्रोजेक्ट पे आपको काम करवाते हैं, तो ये आपका कोई 5 से 6 घंटे का रहता है लाइव प्रोजेक्ट पे।
आपको एक रियल टाइम सिनेरियो देंगे जिसपे कि आपको काम करना है। तो ये 100+ आज का पूरा 106, वैसे 102 घंटे तक रहता है, आगे पीछे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, तो 110 घंटे तक चला ही जाता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा कोर्स कंटेंट है जिसको कि हम इस तरीके से लेके जाते हैं। इसमें जो दो दो घंटे वाले हैं ये ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन ये जो स्टार्टिंग के जो चार हुए हैं कंपोनेंट, ये इसी तरीके से आएंगे। जब तक ये नहीं आएगा, ये समझ लो आपका, जैसे आप देख लो 70 घंटे तो यही है मैक्सिमम, आपका इसी के अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि आपका वेबसाइट वाले पार्ट से जो हमने स्टार्ट करने के लिए बोला था, तो वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत रहेगी, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप वन है आपका, आपको एक डोमेन खरीदना पड़ेगा। डोमेन क्या होता है? आपका वेबसाइट का नेम। ठीक है, तो एक बार आपने डोमेन खरीदा तो कहाँ से खरीदते हैं? गोडैडी से खरीद सकते हो, या नेमचीप करके एक साइट है वहां से खरीद सकते हो। आजकल गूगल भी बेच रहा है, अगर आप गूगल से खरीदना चाहते हो, होस्टगेटर भी बेच रहा है, सब बेचते हैं। ठीक है, कहीं से भी खरीद सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गोडैडी से खरीदना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको किसी दूसरे को ट्रांसफर करना है तो मैक्सिमम लोग गोडैडी से ही खरीदते हैं। तो ठीक है, एक बार आपने डोमेन खरीदा तो डोमेन का मतलब कि सिर्फ आपने नाम खरीदा है। ठीक है, अच्छा, नाम जो है आपका वेबसाइट का, उसको खरीदते वक्त भी आपने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना है। ठीक है, एक तो सबसे पहला ये ध्यान देना है कि क्या अगर आपने कोई एक वेबसाइट का नेम खरीदा है, क्या उसको देखते ही यूजर बता सकता है कि वेबसाइट क्या करती हो? अगर मैं आपको नाम बताऊं, तो अगर मैं आपको नाम बताऊं ramukaka.com, तो इससे क्या क्या समझ में आता है हमें कि ये साइट क्या करती होगी? देख के पता लगता है, रामू काका बड़ा बहुत फेमस ब्रांड नेम है नौकरों के लिए। ठीक है, तो मेरे को देख के समझ में आ रहा है कि साइट या तो सर्वेंट सप्लाई करती होगी, सर्वेंट प्रोवाइड कराती होगी, गार्डनर, गार्ड्स, कुक्स, जो भी ये छोटे छोटे जॉब वाले होते हैं ये सब प्रोवाइड कराती होगी। अगर मैं बोल रहा हूँ नहीं, ये तो बहुत हाई एंड आपके वो शूज या जिमी चूज साइट के टाइप के शूज, 1.25 लाख वाले, 2-2 लाख वाले बेचते हैं, बेच आप कुछ भी सकते हो, लेकिन उसमें कुछ लोगों को समझाना कि रामू काका जिमी चू के शूज सेल कर रहा है या जे जे वलाया का या रॉकी एक्स के कपड़े बेच रहा है, वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इसलिए इतना रेलेवेंट होना चाहिए जितना कि आपका यूजर को बताना ना पड़े। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी चलाता हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर मेरा नाम है तो बहुत अच्छा। अगर मेरे डोमेन के अंदर डिजिटल मार्केटिंग है तो वो वर्ड मेरे डोमेन पे होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बोला कि अगर मैं digitalmarketing.com खरीदना चाहता हूँ, बिलीव मी ये मिलेगी नहीं, लेकिन मुझे डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड अपने साइट के ऊपर चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे साइट्स हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं इसमें। एक साइट है leandomainsearch.com। ठीक है, आप इस साइट पे जाओ, ये इतना ही टफ होता है वेबसाइट का नाम ढूंढना जितना अपने बच्चे का नामकरण करने के लिए नाम ढूंढना होता है। अगर मैं यहाँ पे गया तो आपका जो प्राइमरी कीवर्ड जो कि आपकी बिजनेस पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा वो इसमें होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ रामू काका भी अगर मैं डालूँ ना, ramukaka.com अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन अगर मैं नौकर ही सप्लाई करने वाला हूँ गोइंग फॉरवर्ड, तो मेरे को रामू काका चाहिए ही चाहिए, तो आगे पीछे ऊपर नीचे करके। तो जैसे मुझे डिजिटल वर्ड चाहिए अपनी साइट के अंदर या डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, तो सर्च कर दो, तो ये आपको बहुत सारे आइडियाज़ देगा। कौन कौन से डिजिटल मार्केटिंग गेम्स, कितने आइडिया दिए? 2608, मतलब 2608 आइडियाज़ दिए हैं। इनमें से देखो आपका कौन सा काम आता है, और इनमें से कोई एक आपको पिक करना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग आपको अपने डोमेन में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये हेल्प करता है आपको बहुत, लॉन्ग रन में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप डोमेन खरीद रहे हैं तो एक बार लीन डोमेन सर्च पे जाके एक बार रिसर्च कर लो। एक बार आपने डोमेन खरीदा तो फिर आप जाओगे स्टेप टू पे। स्टेप टू है आपका, आपको होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ डोमेन आपने खरीदा है, आपको सिर्फ नाम मिला है। होस्टिंग का है, होस्टिंग का मतलब क्या है कि वहाँ पे आपको अपनी साइट रखने, क्योंकि कोई स्पेस नहीं दे रहा आपको साइट रखने के लिए। ठीक है, तो आपको वहाँ पे नाम खरीदना, वो जो आपकी साइट है वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, वो आपको होस्ट करना पड़ेगा, डोमेन कहीं पे होस्ट करना पड़ेगा, तो उसको हम होस्टिंग कहते हैं। तो ये आप होस्टगेटर से खरीद सकते हो या आपकी जो मर्जी, जो मन करे, बहुत सारी साइट्स हैं जो देती है, मतलब मैंने होस्टगेटर से लिया। तो पहले यहाँ पे जो आपने खरीदा था तो आपकी साइट गोडैडी ओपन कर रहा था, अब आपने बोला कि नहीं नहीं गोडैडी नहीं ओपन करेगा, मेरी साइट होस्टगेटर से ओपन होगी, तो फिर आपको 2-3 चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी जिसको हम कहते हैं डोमेन नेम सर्वर, क्योंकि डोमेन आपने जहाँ से खरीदा था उसके अंदर आप नेम सर्वर आपको चेंज करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे अभी बताता हूँ, 2 सेकंड का काम है। ठीक है, तो ये आपको चेंज करने पड़ेंगे, अगर आपने ये किया तो फिर आपकी साइट अप एंड रनिंग हो गई है, आप आ जाओगे स्टेप थ्री पे। स्टेप थ्री में आपको वर्डप्रेस इसमें इंस्टॉल करनी है, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ, अभी करके भी दिखाऊंगा,
तो आप यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। जैसे आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया तो फोर्थ स्टेप होगा मेरा कि मेरे को इसके ऊपर कोई वर्डप्रेस की थीम डालनी पड़ेगी। ठीक है, थीम क्या होती है वो भी बताऊंगा अभी। थीम क्या हो गया, पूरा स्ट्रक्चर डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद स्टेप 5 से लेकर एंड तक जो भी आपका आएगा। अब वर्डप्रेस थीम जो आपने डाली है ना, ये ऐसे समझ लो कि आपको एक सैम्पल फ्लैट पूरा रहने को मिल गया, तो उसको आपने एडजस्ट करना है। वर्डप्रेस थीम को जो है आप कस्टमाइज करोगे कि आपको ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, कलर चेंज करना है, जो भी करना है वो सारा का सारा आप करोगे। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं कि गोडैडी पे अगर आप जाओगे, तो चलो पहले गोडैडी पे चलते हैं। जब आप डोमेन खरीद लोगे, यहाँ से साइन इन कर लेते हैं, कोई भी डोमेन यूज कर लेंगे, इसमें इसको लॉग आउट करते हैं जिसका भी है, साइन इन करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका डोमेन होगा वो यहाँ पे आपको एक्सपायरी वगैरह दिखाता रहता है। तो यहाँ पे ये DNS है, तो मेरे को ये DNS चेंज करने पड़ेंगे। जब तक आप DNS चेंज नहीं करोगे तब तक आपको ये आगे काम नहीं करने देगा। तो मेरे को DNS चेंज करने, लेकिन ये DNS आएंगे कहाँ से, तो जब आप होस्टिंग खरीदोगे ना तो आपके पास एक मेल आएगी, उसमें ये सब सारा का सारा डेटा होगा। तो मेल कॉपी करके रख लेता हूँ मैं, बार बार मेरे को वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस टाइप का एक मेल आएगा जिसमें आपके पास नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2 रहेंगे, ये आपको गोडैडी पे अपडेट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मैंने ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है, चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे चेंज पे क्लिक करना है और ये चेंज करना है। जब एक बार आप ये कर दोगे ना, उसके बाद आपका बाकी का काम स्टार्ट होगा। ठीक है, बाकी का काम का मतलब क्या है, बाकी का कि आप ना उसके बाद जो ये फर्स्ट स्टेप आपका एक बार हो जाएगा, सेव किया, उसके बाद फिर जाके आपको इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, पूरा चेक कर लेते हैं। तो जब एक बार मैं ये कर लूँगा तो फिर आप मुझे कंट्रोल पैनल पे जाना है। कंट्रोल पैनल क्या होता है आपका, जो आपने जहाँ से होस्टिंग खरीदी होगी वो बैकएंड, आपको वेबसाइट का बैकएंड, जहाँ से आप वेबसाइट का सारा सामान यहाँ पे डालना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को सी पैनल पे जाना है, तो हम इसको नॉर्मली इनको लिंक बना कर रख लेते हैं ताकि बार बार वो ओपन ना करना पड़े। मैंने लिंक बना दिया, फिर उसका लॉगिन पासवर्ड सेव करके रख लिया। तो पहले काम करता हूँ, पहले जो इंस्टॉल है ना उसको डिलीट कर देता हूँ ताकि फिर जाके हम उस पर काम कर सकेंगे। ठीक है सर, इस पैनल को वेबसाइट बिल्डर भी कहते हैं? नहीं नहीं, वेबसाइट बिल्डर नहीं है बेटा। वेबसाइट बिल्डर एक्चुअली जब आप अगर गोडैडी पे ही अपनी वेबसाइट बना रहे हो और होस्टिंग आपने गोडैडी से लिया, तो उसको वेबसाइट बिल्डर के वहाँ पे वेबसाइट बिल्डर होता है। ये सी पैनल है पूरा। ये तो वेबसाइट बिल्डर में नॉर्मली क्या होता है, वेबसाइट बिल्डर को आप ये समझ लो वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस इज योर वेबसाइट बिल्डर, सी पैनल नहीं। ठीक है बेटा, तो अब अगर मैं यहाँ से अगर मैं वापस जाता हूँ, सबसे पहले तो जो मैंने इसके ऊपर डाला हुआ है उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, सो दैट आई कैन शो यू ऑल। यहाँ पे माय इंस्टॉल पे गया तो उस वाली साइट पे ऑलरेडी वर्डप्रेस डाला हुआ है, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ पहले। जितनी बार मर्जी ऑन ऑफ, ये एक टाइम पे इतना टफ होता था, मैं बताऊँ अगर आपको, 8-9 साल पहले पूरा कोडिंग के थ्रू करना पड़ता था, WP कॉन्फिग फाइल में चेंज करना पड़ता था, डेटा बेस बनाना पड़ता था, उसके बाद जाके ये अपलोड होता था। अब तो बहुत ईजी हो गया सब, सारी मतलब पूरी लाइफ ईजी हो गई है जब से ये, मतलब जैसे जैसे एडवांस होंगे तो लाइफ ईजी होगी होगी, नो डाउट। तो जैसे ये वाला है, इसको मैं पहले अनइंस्टॉल कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अब ये अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये अब ये चला गया, अब यहाँ पे कुछ भी इंस्टॉल नहीं है। अब मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो लेकिन एक बार और चीज़ और देखनी पड़ेगी, कहीं वहाँ पे कुछ फाइल रह जाती हैं, तो उसको भी क्लीन अप कर देता। तो अगर मैं बोलूँ कि आपकी वेबसाइट बनाने के लिए कितनी फाइलों की ज़रूरत रहेगी, आप यहाँ पे देखोगे ना, क्योंकि चाहे हम ड्रैग एंड ड्रॉप यूटिलिटी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप अगर इस ये फोल्डर है जो मेरा, इस यहाँ पे ये देखो इतनी सारी फाइल्स हैं, सेलेक्ट ऑल करो और इनको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा उसने मेरी जो भी थी उसमें सारा डिलीट कर दिया। अब जैसे जब आप आओगे फर्स्ट टाइम तो आपको ऐसे ही ब्लैंक फोल्डर दिखेगा, तो आपने क्या करना है, आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है, और वन क्लिक इंस्टॉल है, कोई ये नहीं कि इसमें ये होगा या वो होगा, वन क्लिक इंस्टॉल। ठीक है, तो यहाँ से एक बार जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉलर ऑन करोगे
तो सबसे पहले तो आपको अपना डोमेन बताना है कि कहाँ पे आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो इस डोमेन पे इंस्टॉल करें। अच्छा, मेरा मल्टीपल डोमेन है इसलिए यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं। आप जब करोगे तो आपको एक ही साइट दिखेगी क्योंकि आप सिंगल वाले पे होगे। नेक्स्ट बटन प्रेस किया, ये सब बाद में चेंज हो सकता है, तो मैं ऐसे ही डमी डाल देता हूँ। एडमिन फर्स्ट नेम साइट, जो भी आपका ये मेल आईडी जो आप डाल रहे हो, जहाँ पे आप पासवर्ड रिसेट करने की रिक्वेस्ट डालोगे, तो आप इसको सही से डालना। बाद में अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, कोई और मेल आईडी करना चाहते हो, तो यू कैन डू दैट एज वेल। इंस्टॉल बटन दबाओ। तब आपका ये वेबसाइट अभी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। इसको कॉपी करके रख लेते हैं कहीं पे। और इसको यहाँ से साइट को ओपन करते हैं लॉगिन। तो लॉगिन और पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड पिक कर लेते हैं। रिमेम्बर में कर देना इसे, तो बार बार दोबारा से आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपडेट ईमेल इज करेक्ट। बस ये देखो कितनी जल्दी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई है। ठीक है। अच्छा, एक बार मेरी वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है, तो मैं अपनी वेबसाइट देखना चाहता हूँ कि वेबसाइट कैसे दिखती है। अच्छा, आपने सिर्फ अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, आपने थीम नहीं इंस्टॉल किया। इफ यू रिमेम्बर, हमारा ये जो सेकंड स्टेप था वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन वाला, हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्किंग। अब ये वर्डप्रेस की थीम इंस्टॉल करनी है, तो आपका वेबसाइट कुछ ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा, हेलो वर्ड ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब मुझे थीम इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले तो जब भी आप इंस्टॉल करो तो इसमें बहुत सारे फालतू की चीज़ें आ जाती हैं, प्लगइन बहुत सारे। तो यहाँ पे प्लगइन के अंदर जाओ, इंस्टॉल प्लगइन में, और सबको डिलीट कर दो। ठीक है, सिर्फ अभी, बाद वाले नहीं। देखो कितने सारे मैसेज वगैरह ये आ रहे हैं। क्लिक किया, डीएक्टिवेट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि कोई भी एक्टिव प्लगइन को आप डिलीट नहीं कर सकते। क्लीन अप करके रखना है साइट को, जब भी आप साइट पर काम कर रहे हो। ज़्यादा इसके ऊपर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि आपको बाद में प्रॉब्लम में डाले। प्रॉब्लम इन द सेंस वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा आप इस साइट को हैवी प्लगइन्स के थ्रू हैवी करके रखोगे, उतने ज़्यादा इश्यूज रहेंगे, उतने ज़्यादा आपका साइट का लोड टाइम ज़्यादा होगा। साइट का लोड टाइम ज़्यादा होगा तो साइट ओपन नहीं होगी टाइमली, टाइमली ओपन नहीं होगी तो यूजर भाग जाएगा आपकी साइट से। ठीक है, अब देखो बिल्कुल क्लीन है। सबसे पहले इसमें बहुत सारी फालतू की थीम भी आ गई होंगी, एंड आई रियली डोंट नो क्यों करता है ये। सबसे पहले 2020 का अपडेट आ रखा है, इसको अपडेट कर दो और इसको एक्टिवेट कर दो। कह देता हूँ ये 2020 वाली थीम लेते हैं, बाकी सब फालतू है मेरे लिए, उन सबको डिलीट कर देते हैं, एक ही थीम रखेंगे। अभी दो वाली थीम क्यों रखी है इसने, पता नहीं। 2016 ये वाली भी डिलीट करो, सिर्फ 2020 रखेंगे, बाकी सब डिलीट कर देंगे। 19 को भी डिलीट कर दो। ओके, अभी एक ही थीम है। अब जो हमारा फोर्थ स्टेप था, ये तो क्लीनअप, नॉर्मल क्लीनअप है। अब वर्डप्रेस की थीम इंस्टॉल करनी है। थीम कहाँ से आएगी? थीम हम देंगे आप लोगों को, ठीक है। एक थीम तो मैं दूंगा, बाद में देखेंगे कि अगर आप मेरे पास कुछ और थीम्स पड़ी हैं, आपको वो चाहिए तो वो थीम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं गया तो ये मेरी वेबसाइट अभी ऐसे दिखती है। थीम डालेंगे तो आप देखोगे पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। तो अब ये कुछ ऐसे दिख रहा था। अब मैंने यहाँ पे ऐड न्यू किया और एक थीम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, थीम जब हम बात कर रहे हैं तो थीम एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, बना बनाया वेबसाइट है, जो कि आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। अपलोड, जब भी आपको कोई आप थीम बाय करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी उसके अंदर। बता देता हूँ क्या क्या है। जैसे मैं ये वाली थीम डालने वाला हूँ तो ये आपको थीम मिलेगा, उसके बाद प्लगइन्स मिलेंगे, उसके बाद
जो भी उसको चलाने के लिए जिस जिसकी जरूरत होगी वो सब मिलेगा। ठीक है, तो जिप फॉर्मेट मैंने डाला और इसको अपलोड पे लगा दिया। अपलोड पे अगर मैंने लगा दिया तो क्या इससे मेरा साइट बन जाएगा? नहीं, अभी नहीं बनेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें, जब मैंने थीम इंस्टॉल करने की बात कर रहा हूँ तो थीम के साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो थीम इंस्टॉलेशन में आपको दो तीन चीज़ें काम करनी है, तो ये मैं बोल रहा हूँ डन तो नहीं हुआ अभी। पहले तो मेरे को थीम इंस्टॉल करनी है, उसके बाद मेरे को थीम के रिक्वायर्ड प्लगइन्स होंगे कुछ, वो इंस्टॉल करने हैं। उसके बाद मेरे को डेमो डेटा होगा, वो इंस्टॉल करना है। डेमो डेटा क्या रहता है कि जैसे आपको थीम दिख रही है एज इट इज आपको थीम आपकी वेबसाइट पर लग जाएगा, बाद में आप उसको एडिट करते रहो। जैसे अगर मैं सिंपल लेमन टर्म्स में बोलूँ, आपने एक सैम्पल फ्लैट देखा तो आप चाहते हो कि वही सेम टू सेम सैम्पल फ्लैट का जो भी फर्नीचर है, जो भी जैसे बनाया है, सैंडलेस वगैरह जैसे लगे हुए हैं, वो एज इट इज आपके भी फ्लैट में लग जाए, वो लगा के चले जाएंगे, दे विल चार्ज यू फॉर दैट। हाँ, इसमें भी ये थीम फ्री नहीं है, $60 का थीम है, लेकिन आप उसके साथ एज इट इज तो नहीं रह सकते। आपको चेंज करना है, आपको कर्टन चेंज करने हैं, आपको सोफ़ा चेंज करना है, आपको सोफ़ा की स्टाइलिंग चेंज करनी है, आपको साइड टेबल चेंज करने हैं, आपको मॉड्यूलर किचन के अंदर कलर चेंज करना है, वो सब आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने एक बार थीम डाल दिया और एक्टिवेट कर दिया, तो यहाँ पे एक आ जाएगा वेलकम, लेकिन इंस्टॉल अपडेट रिक्वायर्ड प्लगइन्स सेकेंड स्टेप था, तो ये जरूर करना है। ये क्यों करना है? क्योंकि ये प्लगइन जो है ये स्ट्रक्चर है इसके, तो इसके बिना वो थीम जब आप डेमो डेटा डालोगे ना, वो स्टेप बाय स्टेप इसलिए डाला है तो वो काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखें जरा, तो रिक्वायर्ड वाले हैं कि वैसे तो बहुत सारे प्लगइन हैं, लेकिन जो रिक्वायर्ड है वो सिर्फ वही डालेंगे। तो यहाँ पे इंस्टॉल का बटन दबाते हैं, नाउ इट विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग योर रिक्वायर्ड प्लगइन। एक प्लगइन कर दिया, तो दो एक एक करके डालना पड़ता है, ये सारे सेलेक्ट करके भी डाले जा सकते थे। जैसे मैंने बोला एक्स्ट्रा प्लगइन डालना मत कभी भी। ठीक है, जितने एक्स्ट्रा प्लगइन आप डालोगे उतने ज़्यादा आपका साइट हैवी होता जाएगा, तो जो रिक्वायर्ड है वही डाल रहे हैं हम। ओके, अब नीचे अगर हम यहाँ पे आए साइड में, एक ये स्लाइडर रेवोल्यूशन डालना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी साइट्स में आपने देखा होगा वो स्लाइडर चलता है ना टॉप पे, तो वो इसके थ्रू चलता है, तो ये भी कईयों के अंदर रिक्वायर्ड रहेगा। अच्छा, व्हाट इफ, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी और थीम्स आती हैं, सब थीम्स हैं इसके अंदर, को ये पूरा का पूरा बंडल विल कम अप विद 60 डिफरेंट सब चाइल्ड थीम्स, तो उस थीम के लिए जो भी रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड प्लगइन होगा वो वहाँ पे मांग लेगा मुझसे। तो अब ये तो प्लगइन तो मैंने रिक्वायर्ड वाले डाल दिए सारे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे डेमोज के अंदर, जो डेमो डेटा इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास कोई 68 वेबसाइट बना के इसने दी है, और उसने उनको बायपोकेट भी किया हुआ है, कॉर्पोरेट की ये हैं, क्रिएटिव की ये हैं, ई कॉमर्स की ये हैं, पोर्टफोलियो की ये हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी की ये हैं, एजुकेशन की ये हैं, उसके बाद आपका वन पेज ये हैं, इवेंट की वेबसाइट ये हैं, फूड की वेबसाइट, स्पोर्ट्स की वेबसाइट, स्पोर्ट्स रिलेटेड ट्रैवल की, ब्लॉग की, पीबी प्रेस की, और कमिंग सून की, सबका सब दिया हुआ है। तो मैं बोल रहा हूँ ब्लॉग का चाहिए मुझे, तो ये आपकी ब्लॉग की वेबसाइट है। ठीक है, तो मान लो मैं इसमें अवाडा फ्रूट की बात कर रहा हूँ और मुझे ऐसा ही वेबसाइट बनाना है, कैसा? तो पहले प्रीव्यू देखते हैं कि कैसे दिखते हैं, कि दिखेगी ये वेबसाइट। ठीक है, ठीक है, तो ये वेबसाइट कुछ नहीं बिल्कुल ऐसे ही दिखेगी। वो आपके ऊपर है कि आप इसको और कितना कस्टमाइज करना चाहते हो। तो मैंने सिंपल सा वेबसाइट लिया है, अच्छा लग रहा है लुक एंड फील, मैं बोल रहा हूँ मेरे को ऐसे ही वेबसाइट बनाना है। अब अगर आप देखोगे आपका वेबसाइट कुछ ऐसा है, तो अब यहाँ पे इंपोर्ट का बटन दबाएंगे। अब ये बोल रहा है कि इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 चाहिए रहेगा, तो यहाँ पे बटन दबा दो, बस इंस्टॉल कर देगा। तो ये सारी रिक्वायरमेंट आपको पहले फुलफिल करनी पड़ेगी। अब ये सारे एक्टिव हैं, इंपोर्ट डेटा ऑल, और यहाँ पे इंपोर्ट का बटन दबा दीजिए। ओके, नाउ इट विल स्टार्ट इंपोर्टिंग द कंटेंट। थोड़ा सा टाइम लेगा, 30-40 सेकंड का टाइम लेता, एंड इट विल बी अप एंड रनिंग। जैसे ही ये होगा तो अब आप देखोगे कि आपका साइट बिल्कुल जैसा आपने अभी देखा था वैसा का वैसा बन जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। होगा, चल रहा प्रोसेस। कई बार इस तरीके के एरर आते रहेंगे, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो हो सकता है कुछ उसका ना कुछ
फेल हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। तो एक बार पहले देख लेते हैं, कई बार ये एरर देता है लेकिन साथ साथ में वेबसाइट भी क्रिएट कर ही देता है, तो अगर नहीं हुआ होगा तो उसको दोबारा रन करेंगे। ठीक है, नहीं हुआ लग रहा तो दोबारा से मॉडिफाई पे जाओ और ऑन। तो ये कुछ हो गया था, कुछ नहीं हुआ था, दोबारा से इंपोर्ट लगा था तो वही दिखा रहा था कि क्या हो गया था, पोस्ट हो गए, पेज हो गए, पोर्टफोलियो हो गए, स्लाइडर, थीम ऑप्शन और विजिट नहीं हुए थे। कोई बात नहीं, आप हो जाएंगे। डन। अब अगर हम अपनी वेबसाइट देखें तो ठीक है, तब ये जैसा वहां दिख रहा था वैसा तो नहीं दिख रहा, ये तो साइट ऐसा दिखना चाहिए था तो ये साइट तो ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई देख लेते हैं। कभी भी लगे कि कुछ गड़बड़ हो गया तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मॉडिफाई पे जाओ और इसको सारे को रिमूव कर दो और फिर से डाल दो, क्योंकि वो बेस्ट प्रैक्टिस है, रीसेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ कि आप बीच बीच में कोई एक एक दो दो चीज़ें डालो, ये सब हटा देगा अभी। डन। यहाँ पे अगर मैं दोबारा से इंपोर्ट पे जाऊँ और इंपोर्ट, ओके। अच्छा सर, ये कुछ फ्री भी देता है वर्डप्रेस वाला इस टाइम पे या नहीं देता? देखो एक चीज समझ लो, डिजिटल के अंदर कुछ भी फ्री नहीं होता, जो भी फ्री देगा तो वो आपको 30-40% ही आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, आप उसको 100% कस्टमाइज नहीं कर पाओगे, उसके लिए चाहिए ही होगा। हाँ, उसके लिए आपको पेड थीम पे जाना ही पड़ेगा। इसमें कुछ इशू आ रहा है, एक काम करते हैं कोई दूसरे और कर लेते हैं। हाँ नहीं नहीं वो देख लेंगे, एक्चुअली मैंने कुछ सर्वर पे कुछ चेंजेस किए हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। मॉडिफाई रिमूव कर देना बस, ये ध्यान रखना, पुराना वाला रिमूव करके ही नया वाले पे काम करना। तो इसको रिमूव करते हैं, कोई दूसरी डाल देते हैं। डन। अब आडा पॉडकास्ट डाल देते हैं, तो पहले देख लो इसको कि कैसे दिखता है, तो आप यहाँ से लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करके इसको बंद कर देते हैं। तो थीम कुछ ऐसे दिखनी चाहिए, आप जाओ ऑल और इंपोर्ट। थोड़ा सा टाइम लेता डेमन पोर्ट पे चेक पीएचपी लिमिट इन रेड ऑफ द सिस्टम स्टेटस। ओके, इस तरीके का अगर कुछ एरर आता है चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सी पैनल पे आते हैं, छोटे मोटे वही मैं बोल रहा था आपको, जैसे छोटी मोटी चीज़ें आपको सीखनी ही पड़ेंगी। तो फिर मैंने बोला किसी दूसरी फाइल में, अभी मैंने अभी किया था, चेंज कर सकते हो आप इन सारी सेटिंग्स को। नॉर्मली आना नहीं चाहिए क्योंकि वो कई बार कोई, मैंने कल एक थीम डाली थी तो उसमें कुछ मैंने चेंजेस किए थे। user.ini फाइल होती है, उसमें आप ये जो भी एरर दे रहे हैं वो आप उसको ठीक कर सकते हो।
नॉर्मली ऐसे एरर से आता नहीं है, क्योंकि मैंने कल कुछ सर्वर में चेंजेस किए हैं, उसकी वजह से कुछ इश्यूज हुए हैं, नहीं तो ये वन क्लिक है, क्लिक 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 और इट विल बी इंस्टॉल्ड लाइक एनीथिंग। तो डीएनएस सर्वर की वजह से तो नहीं आ रहा? नहीं 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 डीएनएस का कोई लेना देना नहीं है इससे। एक्चुअली वो डब्ल्यूपी आपका ना स्टेटस जो दिखा रहा है कि मेरे को पीएचपी का टाइम बहुत ज्यादा बार इसमें एग्जीक्यूट कर रखा है आपने ना, तो ये इसकी वजह से ही आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इंक्रीज कर सकता हूँ यहाँ से, वो कोई इशू नहीं है, ऐसा भी कोई वो नहीं है। ये तो हम समझ गए, चलो आगे ना उसके बाद ये फिर एक तरह से हम इसके अंदर जाके उसको वही जैसे उसके बाद फिर गोडैडी पे करते हैं वैसे ही कर सकते हैं ना, हाँ गोडैडी पे जाए। नहीं, वेबसाइट गोडैडी का बिल्डर आपने की कुछ तरह? नहीं करना, गोडैडी का आपका काम खत्म हो गया अभी, नहीं, गोडैडी का। वेबसाइट बिल्डर जैसे वहां पे हाँ यूज बिल्कुल करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, जैसे मैं उसमें साइट बिल्डर है आपका गोडैडी में, सेम वे आप उसको यहाँ पे कर सकते हो। तो एक काम करते हैं इसमें, लेकिन ये नॉर्मली एरर आना नहीं चाहिए यहाँ पे। ये यूजर डॉट आई एन आई फाइल में मैंने कुल कल किसी दूसरी साइट के उसमें एडिट किए थे, हो सकता है वो यूनिवर्सल एडिट हो गया, वो साइट तो अपलोड हो गई थी, बाकी सब में एरर आ गई ये तो फिर है। रीति रिवाज है ना, जब हम जल्दी करना चाहते हैं कंप्यूटर में होता नहीं है। नहीं वो तो है, वो सिस्टम एक्चुअली सर्वर का पूरा नॉलेज होना एक अलग बात है, क्योंकि हम सर्वर एडमिन तो है नहीं। ठीक है, तो एक बार अगर आपने ये कर लिया तो आपका फिर ये साइट एक बार ट्राई और करते हैं इसमें, फिर कोई दूसरी थीम के साथ, कोई लाइट वेट थीम ले लेते हैं, फिर कोई बड़ा थीम नहीं लेते, सिंगल पेज थीम ले लेते हैं, काम है वन पेज। ऑनलाइन ट्यूटर प्रीव्यू देखते हैं पहले इसका। ये कंपैटिबली सिंपल सा लग रहा है, इंपोर्ट इसमें तो वो कॉमर्स है तो और नहीं होगा। चैरिटी मोड आइए, ठीक है, प्रमोशन के लिए इंपोर्ट, ये वाला हो गया। ठीक है, जैसे ये हो गया आराम से। तो कौन सा था ये, प्रमोट का था, पहले इसका प्रीव्यू देखते हैं कि कैसा दिखता है। फिर सिंगल पेज है, ये कुछ ऐसा दिख रहा था। अगर मैं अपनी साइट को देखूंगा तो इसने आपकी साइट को रीजनरेट कर दिया होगा, अब वो जैसे वो साइट दिख रही थी अब वैसे दिखेगी, आप देख रहे हैं आपकी डिस्ट्री। तो वो क्लिक के ऊपर है, वो कुछ सर्वर पे कुछ मैंने कल कुछ इश्यूज किए हैं तो उसकी वजह से हो गया, वरना तो ये बड़ा इजी है, बटन दबाना होता बस। ये आपका नाउ यू आर डन। ठीक है, तो ये अच्छा, अब एक बार ये हो गया तो अभी मेरा कौन सा स्टेप खत्म हुआ है? अब मेरा स्टेप खत्म हुआ है 4, मैंने डेमो डेटा इंपोर्ट कर लिया, रिक्वायर्ड प्लगइन डाल लिया। अब स्टेप 5 के अंदर आपको इसको कस्टमाइज करना है, ये पूरा का पूरा आपका अगर मैं बोलूं तो वेबसाइट क्रिएशन वाला पार्ट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जिसको हम वेबसाइट क्रिएट करने है बोलते हैं वो है। अब मुझे जो भी चेंजेस करने हैं एडिट पेज में आप आओ वापस से, और इसमें जो चेंज करने हैं, मुझे ये इमेज नहीं चाहिए, ये प्रमोट योर आइडिया वाला जो लिखा हुआ था ये मुझे नहीं चाहिए, इसकी जगह पर कुछ और चाहिए, जो भी एक्स वाई जी जो भी चेंजेज है उस सारे के सारे चेंजेज आप यहाँ से बैक एंड पे आके इस पे चेंज कर सकते हो। सबका एक एक बॉक्स बना होगा, ठीक है, स्लाइडर है, स्लाइडर को एडिट करने यहाँ से क्लिक करोगे एडिट हो जाएगा स्लाइडर। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्रिएट अ बूस्ट विद योर यूनिक आइडियाज विद अवाडा, कहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ आपको वो जैसे स्लाइडर की जो ऑप्शन है वो स्लाइडर से ऐड होंगे। तो अगर मैं मान लो स्लाइडर को डिलीट वो करना चाहता था, यहाँ पे फ्यूजन स्लाइडर होगा, ऐड और एडिट स्लाइड पर जाएंगे तो ये वाला स्लाइडर वहाँ पे ऑलरेडी डला होना चाहिए। नया स्लाइडर ऐड नहीं करना, पुराने वाले पे ही काम करना है।
गाना गा गया। आ रहा था क्या ये स्लाइडर से अपडेट होगा? ये यहाँ से स्लाइडर एवोल्यूशन का जो हमने प्लगइन डाला था फिर रिमेम्बर, वहां से अपडेट होगा ये पूरा का पूरा। तो ये पूरा का पूरा जो हमें दिख रहा था वहां पे, वो वहां से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। एक चीज और रखना कि जब भी आप अपडेट कर रहे हो तो एक टैब में अपना वेबसाइट ओपन करके रखना ही रखना आपने, नहीं तो उससे क्या होगा कि जो जो अपडेट करते रहोगे वो यहाँ पे देखते रहना साथ साथ में। अब मुझे नीचे कुछ अपडेट चाहिए, कैन बूस्ट ये वाला कहाँ पे है? लेकिन ये रहा, क्रिएट अ बूस्ट विद योर यूनिक आइडियाज यूजिंग अवाडा, ये मुझे चेंज करना है। यहाँ पे एडिट का बटन होगा, ठीक है, चेंज भी करना है। और मेरे को मान लो चेंज तो नहीं, मेरे को इसको सेंट्रल लाइन रखना है और मेरे को ना इसका कलर रेड चाहिए रहेगा, ठीक है। छोटे छोटे चेंज करूँगा, पूरा वेबसाइट नहीं बना रहा। सेव करो, अपडेट करना पड़ेगा इसे। और यहाँ पे अगर आप आके, जैसे अपडेट हो जाएगा, अपडेट हो रहा है, चलो थोड़ा सा स्लो हो गया, साइट्स थोड़ी मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया, कुछ साइट्स हटानी पड़ेंगी। हो गया, रिफ्रेश करो। अब ये जो कलर आपने चेंज किया उसमें चेंज हो जाएगा, बड़ा इजी रहता है सारी चीज़ें। देखो अब सेंटर भी हो गया। अब उसके बाद नीचे वाला जो टेक्स्ट था ये आपने चेंज करना, उसी के नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे टेक्स्ट भी है ये वाला, तो इसमें भी वही एडिट, ये मुझे ग्रीन कलर में चाहिए। जो भी इसमें टेक्स्ट चेंजेस चाहिए आपको वो सारे के सारे टेक्स्ट चेंजेस आ जाएंगे। प्लस या तो मुझे बोल्ड चाहिए था, बोल्ड ज़्यादा बोल्ड हो जाता है, हर जगह पर बोल्ड नहीं करना होता। ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैं कर रहा हूँ और इसको सेव कर दिया, ठीक है। उसके नीचे आते हैं, इसके नीचे अगर आप देखोगे तो एक सेपरेटर है, यहाँ पे ब्लैंक जा रहा है, उसके नीचे ये एक इमेज आ रही है। मुझे ये इमेज नहीं चाहिए, कोई और इमेज चाहिए, तो वो आपकी मर्जी है। इमेज है, एडिट पे जाइए, तो ये इमेज है ऑलरेडी, इसको रिमूव करो और यहाँ से नया इमेज अपलोड कर दो। कुछ दूसरा इमेज डाल देते हैं, ऐसे ही सैंपल के लिए कर रहा हूँ बस, जो भी अवेलेबल इमेज था मैंने वो डाल दिया। इंसर्ट किया, बहुत मतलब इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता। हमने तो एचटीएमएल वाले वेबसाइट पे भी काम करवाया है, खुद भी किया है, तो उसमें इतना टाइम लगता है कि एक चीज़ को अपडेट करना, उसके साथ काम करना, फिर उसको पूरी वेबसाइट के साथ सिंक करना, इट्स टेक हेलोट ऑफ अ टाइम। लेकिन यहाँ पे हम एक एक घंटे में, एक एक बार हमने 6 घंटे में भी वेबसाइट डिलीवर की है। कि कई बार बहुत ज़्यादा अर्जेंट, बहुत मतलब छोटे मोटे वो जैसे रहते हैं, तो मैंने यहाँ पे इमेज डाल दिया, अपडेट कर देते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे आपका उस वो वाली इमेज चेंज हो गई, ये वाली इमेज आ जाएगी। मतलब इतना ही है, इतना इजी है, जो जो आपको दिख रहा है आप उसको उठाओ, उसको चेंज करो, उठाओ चेंज करो, दैट इज इट। एक बार अपडेट हो जाए, सर्वर मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्लो हो गया मेरा चेंज। ठीक है, ये वाला ग्रीन हो गया। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम होगी भाई, क्या इमेज जो है वो आपकी सेंटर में होनी चाहिए थी, थोड़ा साइज बड़ा होना चाहिए था। कोई बात नहीं, बैक एंड पे जाओ, इमेज वाला पार्ट ये था, क्लिक करो इमेज। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस और होते हैं इमेज के, बॉर्डर साइज, बॉर्डर रेडियस, कैसे आपको चाहिए रहेगा। एक्स्ट्राज में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें रहेंगी कि हवर करने पे कोई क्लिक होगा, एनिमेशन होनी है, ठीक है, बाउंस करेगा कैसे चाहिए, डायरेक्शन ऑफ एनिमेशन, ठीक है,
स्पीड क्या चाहिए, ठीक है, कुछ कलर चेंज हो रहे हैं उसमें एनिमेशन के थ्रू, वो आप चेंज कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल आपके पास यहाँ पे रहेगी, कैसे चाहिए एलिमेंट की विजिबिलिटी, मीडियम स्क्रीन पे चाहिए या लार्ज स्क्रीन पे चाहिए, स्मॉल स्क्रीन पे चाहिए, तो मैंने मीडियम कर दिया। ओके, टेक्स्ट फ्लो अगर कुछ है तो इस पर क्लिक करके कहीं वो जाए वो आपने करना है। सेव कर देते हैं, अपडेट करना पड़ेगा हर एक, जो भी आप बैकएंड पे कुछ भी चेंज करोगे अपडेट करोगे तभी वो आपकी वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट। ठीक है, एक बार अपडेट हो जाता है फिर अपने साइट पे चलते हैं। हो जाओ जल्दी, सर्वर में कुछ तो इशू आया, क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ पे आ गए, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अच्छा कई बार होगा कि ये बिल्कुल एकदम स्टिक हो गया कि नहीं यार ये चेंज नहीं हो रहा अभी, तो हो सकता है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है उसमें, तो उसमें भी इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नीचे से कोई और अगर इसी के से मिलता जुलता कोई एलिमेंट है तो आप उसको उठा के भी इस पर काम कर सकते हो। ठीक है, जब मैं यहाँ पर गया और मैंने देखा कि यहाँ से ही आ रहा था या कहीं और से भी आ रहा था, तो यहीं से आ रहा था, तो या तो ये भी हो सकता है कि जो मैंने ये जो इमेज डाली है ना उसका ही साइज छोटा है। ठीक है, तो एक बार इसको रिमूव करके कोई दूसरी इमेज डाल देते हैं। यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना, जब भी आप इमेज कोई पिक कर रहे हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक साइज ले रहा है। मैंने बोला ये साइज नहीं चाहिए भैया, मुझे चाहिए ये वाला 600x600 वाला। ठीक है, बस इतना ही करना है इंसर्ट, क्योंकि वो साइज थोड़ा छोटा आ गया था इसकी वजह से वो कर रहा था। अपडेट, सब चीज़ें अवेलेबल हैं, अवेलेबल सारी की सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा, क्योंकि देखो ये ऐसे होगा कि फर्स्ट टाइम जब आप स्विमिंग करने गए थे तो हो सकता है डरे होंगे, सेकंड डे थोड़ा सा कम डरे होंगे, थर्ड डे थोड़ा और कम डरे होंगे, फोर्थ फिफ्थ या सिक्स्थ सेवन्थ डे तक जाते जाते आपको हाथ पैर मारने आ गए थे, लेकिन आफ्टर अ मंथ जब आप बिल्कुल कंफर्टेबली यू कैन स्विम, स्टिल यू आर नॉट गोइंग इनटू 11 फीट, लेकिन आपने जाना शुरू कर दिया था वहाँ पे। एक बार अगर आप वहाँ पे जाना शुरू कर दोगे धीरे धीरे करके, आप देखोगे 2 महीने में आप एक्सपर्ट बन जाओगे, आप उल्टा भी तैरोगे सीधा भी तैरोगे, इधर से सामने से कोई आ रहा है साइड भी चेंज कर लोगे। पहले जब आप स्विमिंग करना स्टार्ट करते हो आंख बंद कर लेते हो, आंख बंद करके तैरते हो, ठीक है, कुछ नजर नहीं आता, कभी किसी से टकराते हो कभी किसी से टकराते हो, तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे काम करोगे तो आप देखोगे कि आप एक्सपर्ट लेवल आप अचीव कर लोगे। देखिए जरा अभी से कितना बड़ा आ रहा है, ठीक है, हो गया बड़ा। अब इसको सेंटर करने का इशू है, सेंटर भी हो जाएगा वहीं से होगा। ठीक है, तो सब कुछ डूएबल है, आपने जैसे अब ये है ये सारा का सारा, उसके बाद बटन क्लिक करके कहाँ जाएंगे, ये सारा का सारा, एवरी सिंगल थिंग इज डूएबल। आपको ये सारी की सारी चीज़ें आप इसको एडिट कर सकते हो, तो इसमें टाइम लगता है, इसमें आपके 2 या 3 दिन जाएंगे, और आप एक एक करके जब हम यहाँ पे पढ़ाते हैं तो हम ऐसे नहीं करते सीधा सीधा मल्टीपल पेज पे चले जाएंगे, सिंगल पेज पिक करते हैं, पहले सिंगल पेज करेंगे फिर मल्टीपल पेज वाला करेंगे, फिर सिंगल पेज का डिस्ट्रॉय करेंगे फिर मल्टीपल पेज वाला करेंगे, उसके बाद ई कॉमर्स वाला करेंगे। तो वन स्टेप सिंगल पेज अगर आपको आ गया एडिट करना, तो ये ऐसे होगा कि अगर आपको तैरने आ गया तो आप फिर 11 फीट में तैरा हूँ मैं आपको, या 22 फीट में तैरा हूँ, या मैं आपको समुंदर में तो नहीं भेजूंगा अभी, ठीक है, कि मैं जब बोलूँगा जाओ सी में भी तैर के आओ, वैसा मैं नहीं करूँगा, लेकिन समुंदर में तो फिर आपको पता ही नहीं डेप्थ कितनी है, 200 मीटर भी हो सकती है, ठीक है, फीट की अगर मैं बात करूँ 200 फीट भी हो सकती है, 100 फीट भी हो सकती है, और यमुना में तैरने के लिए बोलें तो फिर आपको हो सकता है कि 20 फीट 22 फीट भी हो सकता है, ठीक है, यमुना में जाना मतलब से तैरने के लिए अभी तो कहीं मत जाना, ठीक है। तो मतलब एंड ऑफ द डे मैं जो बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये डुएबल है और बहुत ईजी है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने कहीं पे कोई कोड यूज़ किया है, नहीं किया, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इस पर्टिकुलर चीज़ को चलाने के लिए कितना बड़ा कोड यूज़ हो रहा है, तो ये देखो ये कोड यूज़ हो रहा है, ठीक है, इतना सारा इस पेज के लिए कोड यूज हुआ है, और मेरे को नहीं पता क्या कोड है और ना मुझे पता करना है, ऑल्दो मुझे पता है थोड़ी बहुत चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता, बहुत पहले कोडिंग छोड़ दी थी हमने, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें कहाँ से चेंज करनी है, स्टिल ये इतनी सारी चीज़ें मुझे नहीं पता करनी, और ना मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूँ किसमें, कि आगे फ्रंट एंड कैसे दिख रहा है,
बैकएंड कैसे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और यूजर भी कोई यहाँ पे जाके नहीं ढूंढ रहा आपकी वेबसाइट को, यूजर भी आपकी साइट को यहीं पे ही चेक कर रहा है। तो मेरे को ये फ्रंट एंड कैसे दिखता है, आई एम कंसर्न्ड अबाउट दैट ओनली, नॉट अबाउट व्हाट इज बिहाइंड द सीन। ठीक है, लोगो चेंज करना है, सारी चीजें, कलर, लोगो, मेन्यू आइटम, अभी अपग्रेड टू अवाडा आ रहा है, ये तो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ये हटा दो, जो चाहिए रखो, जो नहीं चाहिए हटा दो। तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब एक क्लास में तो हम कस्टमाइज कर नहीं सकते, ठीक है, तो इसके लिए हम, इसलिए मैंने इसको बोला फर्स्ट क्लास में आपका डोमेन खरीदना, होस्टिंग खरीदना, उसका थीम इंस्टॉल करना, थीम कस्टमाइजेशन का स्टार्ट करने को। अगले चार क्लास में आप कस्टमाइजेशन करते हो, पहले सिंगल पेज पे, फिर मल्टीपल पेज पे, फिर ई कॉमर्स पे, हम जब ई कॉमर्स का वो काम करते हैं तब करते हैं, ठीक है। तो वो फिर आप देखोगे कि आपने कैसे कैसे क्या 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 साइट बनानी है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि साइट बनाते बनाते आप इतने सीरियस हो जाते हो और आपकी साइट बनती नहीं है, तो फिर आप, आपको लगता है कि यार क्या कहते हैं इसे, यार ये तो मेरा कुछ भी सही नहीं हो रहा। इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, साइट बनानी आ जाती है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप साइट वगैरह के लिए जाओगे, कहीं पे भी साइट कह रहा हूँ, कहीं पे भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि वेबसाइट बनानी आती है नहीं आती, ठीक है। तो वेबसाइट बनानी नहीं भी अगर आती होगी तो एडिट एडवांटेज है, नहीं आती होगी तो इसकी वजह से आप इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं होंगे, डिजिटल मार्केटिंग के खास करके। आती होगी, वर्डप्रेस पे आती है, दो तीन और प्लेटफॉर्म पे आती है, तो एडिट एडवांटेज है, वो नहीं है, मतलब ड्रॉबैक नहीं है कोई। तो हम क्यों सिखा रहे हैं, हम इसलिए सिखा रहे हैं कि एडिट एडवांटेज रहे आपके पास भी इसका, ओके। तो अब आ जाते हैं क्वेरी वाले पार्ट पे। तो नाउ गाइज यू कैन आस्क क्वेरी, कोई भी अगर आपका क्वेरी है कोर्स रिलेटेड, इसमें तो इतना ज़्यादा हम नहीं करेंगे, कोर्स रिलेटेड अगर इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग सम क्वेरी, तो फ्यूचर को लेके कि क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। सर ये क्लासेस कैसे चलेंगी? ये क्लासेस नॉर्मली वीकडेज और वीकेंड पे रहती हैं, तो आपको जो भी आप टाइम सूट करो, जो भी आपको टाइम सूट करेगा, या जो हमारा नया नेक्स्ट बैच आ रहा होगा हम आपको उसमें डालेंगे। अगर इन द बीच में अगर आप वीकडेज से वीकेंड पे जाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, एक बैच से दूसरे बैच में जंप करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट। या आपको कुछ समझ में नहीं आया, मान लो फेसबुक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं मेरे को फेसबुक के किसी दूसरे और क्लास में भी डाल दो, तो वी कैन एडजस्ट यू देयर एज वेल। तो यहाँ पे बैकअप का भी कोई वो नहीं है। 7 days में 2 days क्लासेस रहेंगी? नहीं, 7 days में वीकडेज वाला जो है वो आपका रहता है 5 days, और जो वीकेंड वाला है वो रहेगा आपका 2 days। वीकेंड वाले का टाइमिंग जो आवर्स है वो 3-3 घंटे का होता है, और वीकडेज वाले का जो आवर्स है वो 2-2 घंटे का होता है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। जैसे लोग टायर 1 टायर 2 वाले लोग शर्माते हैं, आपने उसकी नई ऐड देखी है जिमामे की? देखी। सही दिमाग लगाया बंदे ने। नहीं, अगर आप देखोगे ना, मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा लॉन्जरीज का वो कलेक्शन निकाला, और पता लगा दिल्ली में किसने खरीदा ही नहीं। क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि दिल्ली में तो लोग जाके खरीदते हैं, शोरूम से बाहर आके देखोगे तो लाइन से इतने सारे, आप सेलेक्ट सिटी वॉक जाओ, वहाँ पे बैकएंड से एंट्री करोगे तो वहाँ पे उन्होंने वो ऐड भी वहीं चलाई होगी फिर इसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टीवी में अगर ऐड चल रही है ना, आप ये समझ लो कि वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के लिए ही मोस्टली चलते हैं। टीयर 1 के लिए मोस्टली हम डिजिटल मार्केटिंग को बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, हाँ, लेकिन टीयर 2 पे टीयर 3 पे डिजिटल मार्केटिंग यूज नहीं करते, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अभी आप देखोगे तो रीच सबके पास है, और ये पेंडेमिक के बाद तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जिनको इंटरनेट के बारे का आई नहीं पता था, उन सबको भी पता लग गया कि भैया हाँ ये कुछ काम की चीज है, तो पता होना ही चाहिए। तो जैसे पहले DTH, पहले केबल होता था, केबल के बाद DTH आ गया, तो DTH भी लोगों को स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड लगता था, कौन सा क्या करना है, क्या करना है, कौन से इतने सारे बटन कैसे आ गए रिमोट पे, ठीक है। लेकिन आप देखोगे धीरे धीरे पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बन जाता है वो, तो थोड़े दिनों की बात है यही होगा। अभी 5G आ गया तो बहुत कुछ बदल जाएगा। हाँ, 5G आ गया, फिर बाद में आपका जियो वालों ने बहुत इन्वेस्टमेंट करी है भाई, रिलायंस जियो ने बहुत इन्वेस्टमेंट करी है, वो वर्ल्ड का सबसे महंगा स्टार्टअप। सारा हाँ जी बेटा, ये कोर्स आप ही कराएंगे हमें सारा? मैक्सिमम मैं कराऊंगा, 90% तो मैं ही पिक करता हूँ, उसमें से कुछ एक जैसे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए हम बाहर से कुछ लोग बुलाते हैं जो कि एफिलिएट के एक्सपर्ट है, क्योंकि मैं एफिलिएट मार्केटिंग बहुत कम करता हूँ, पहले करता था, अब तो ना के बराबर करता हूँ। तो सारा बाकी जो स्ट्रेटेजिक पार्ट है, जो मेन जो फाउंडेशन वाला है, वो सारा मैं ही करूँगा, सारा का सारा, मोस्टली 90% मैं ही करूँगा सिर्फ एफिलिएट के लिए। हाँ, कहाँ से आप? मैं कहाँ से हूँ मतलब समझा नहीं, मैं मतलब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तराखंड से नहीं रहने वाला हूँ, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ और मैं उत्तराखंड में, वैसे तो पला बड़ा तो मैं दिल्ली में ही हूँ, ठीक है। तो अभी
कहाँ से वाला कल को क्वेश्चन मनाली लिखा हुआ आ रहा था ना, है? कल मनाली लिखा हुआ आ रहा था। नहीं, वो मेरा नहीं था, कोई और था, अच्छा वो वो कोई पार्टिसिपेंट। और था, कोई और, कोई कोई पार्टिसिपेंट था वो। जैसे रेगुलरली क्लासेस चल रही है ना, जैसे हाँ, एक दिन मिस हो जाए अगर किसी दिन तो मान लो अगले मिस हो दिन जाए क्लास फिर। आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओके 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 ठीक है, ठीक। LMS में रिकॉर्डिंग चली जाएगी, आप यू कैन सी द रिकॉर्डिंग फ्रॉम देयर। ये दोनों वीडियो कब आएंगी हमारे पास? ये वाला वीडियो आपको आज प्रोसेस हो जाएगी तो मैं आपको कल LMS पे डाल दूंगा मैं वीडियो, तो फिर आपको LMS का लिंक, जो सेल्स वाले हैं वो आपका LMS का लिंक है। ठीक ठीक है सर, चलो ठीक है है, सर, बाकी डिसाइड ओके, करके बिल्कुल आपको। डिसाइड कर लेना, लाइक टेक योर टाइम, और जगह पे भी जाओ, 10 और इंस्टीट्यूट हैं उनके भी डेमो लो और हम कंपेयर सर दो करो। चार ले चुके हैं, मज़ा नहीं आया। अच्छा, यहाँ किस किस का पे लिया, ज़्यादा डिजिटल मज़ा विद्या आया का? नहीं। एक दो को पर्सन के, एक जो ऑनलाइंस भी आते हैं उनके भी देखे थे एक दो, कुछ मतलब वो नहीं है। जो ऐसे मज़ा है ना प्रॉपर क्लासेस लेके, उसमें मज़ा अलग ही है। खाली वीडियोस देख के आ जाए तो फिर बात ही क्या है। नहीं, लाइव डेमो मैं बोल रहा हूँ, डिजिटल बहुत नहीं सारे लाइव डेमो नहीं, लाइव डेमो लो, बहुत सारों का लो, उसके बाद डिसाइड करना। लेकिन मैं सिर्फ एक ही नहीं फिर चीज वही वाली बोलूंगा, बात है ना सर, टाइम निकालते हैं निकालते नहीं, टाइम हैं। नहीं निकालो, एक दो और ले लो, उसमें क्या है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा ले लो। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि डिले मत करना, बस वही अगर डिले। करना है तो करना है, ये मत करना कि 6 महीने बाद सोचेंगे। ठीक है, करना है तो करना है, चाहे हमारे यहाँ से करो या कहीं से भी करो, करना है तो कर लेना बस। डिले, इसको करने का डिसीजन डिले मत करना, कहाँ से करना है वो आपकी आपकी अपना अपना डिसीजन। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है गाइस, किसी को और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अदरवाइज विल कॉल इट अ डे एंड लेट्स गिव द फीडबैक टू, आपको सेल्स वाले कॉल करेंगे अभी, कोऑर्डिनेटर्स थोड़ी देर में करेंगे, तो आपको जो जैसे जो भी बैच हमारा नया स्टार्ट हो रहा होगा तो उसमें आपको डाल सकते हैं हम। ठीक है, अगर लाइव क्लास, एक कोई एक लाइव क्लास में अगर आपने जाना है तो 7 to 9 में कुछ बैच चल रहे हैं, 5 to 7 में कुछ बैच चल रहे हैं, तो हम आपको वहाँ पर एक क्लास आपको लाइव वाला बिल्कुल एकदम रियल टाइम जैसे क्लास हो रहा है, ऑल दो ऐसे ही होता है, मैं ही होऊंगा वहाँ पे भी। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ ये देखना है कि लाइव क्लास कैसे चलते हैं तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, ओके बाय, ठीक है गाइस, अगर कोई थैंक और यू। क्वेरी नहीं है, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दी वेबिनार, एंड होप यू सून गोना ज्वाइन अवर इंस्टीट्यूट और सम अदर इंस्टीट्यूट, सो फॉर दैट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डिजिटल करियर। थैंक यू, थैंक यू।